हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स महान में। दोस्तों, आपके सामने जैसा लिखा हुआ है वर्ग यानी स्क्वायर, कुछ संख्याएं लिखी हैं उनका स्क्वायर करना है यानी वर्ग करना है। तो दोस्तों, अगर आपको इन संख्याओं का वर्ग करना और बहुत जल्दी में करना है यानी ट्रिक से करना है और पूरी ट्रिक आपको अच्छी तरीके से सीखना है तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों 96 के स्क्वायर की यानी 96 का वर्ग कैसे निकाला जाएगा। तो अगर दोस्तों 96 का वर्ग निकालना है तो आपको ध्यान रखना है 100 यानी 100, ये 100 से कितना कम है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कितना कम है, 4। तो आप क्या करिए, 4 का कर दीजिए स्क्वायर यानी 16 लिख दीजिए। अब क्या करना है, ये 96 100 से जितना कम है उतना इसमें से और घटा देना है। कितना कम है, 4 और कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 92। तो ये हो गया दोस्तों 96 का स्क्वायर 92 16। ऐसे आपको 95 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना कम है, ये 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो 95 में से 5 और कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 90। ये हो गया दोस्तों 95 का स्क्वायर। ऐसे ही 94 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना कम है, 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा 36, और जितना कम है उतना इसमें से और कम कर दीजिए। तो कितना कम है, 6, तो 6 और कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 88। ये हो गया दोस्तों 94 का स्क्वायर, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही दोस्तों 93 का अगर स्क्वायर करना है तो आप क्या करिए, देखिए 100 में से कितना कम है, 93, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, कितना आएगा 49। ऐसे अब क्या करना है आपको, 93 में से उतना ही घटा दीजिए जितना 100 से ये कम है, कितना कम है 7, तो 7 और कम कर दीजिए इसमें से, तो कितना आ जाएगा 86। समझ में आया होगा। ऐसे आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं 89 का, तो ये कितना कम है 100 में, तो दोस्तों 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर जब करेंगे तो ध्यान रखना 121 आता है, 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दो अंक तक ही लिखना है स्क्वायर में, दो अंक तक, तो क्या कर देंगे 21 लिख देंगे। अब ये क्या होगा, एक हासिल में रख लेंगे, समझ रहे हैं, तो 21 लिख देंगे यहाँ पे और हासिल में एक बच जाएगा। तो ये 89 जितना भी कम है 100 में से, यानी ये जो 89 है 100 से कितना कम है, तो 11। तो पहले हम क्या करेंगे, 11 इसमें से घटाएंगे, तो 11 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना भाई, 9 में से एक घटाएंगे 8 और 8 में से घटाएंगे 7, तो ये आएगा 78। लेकिन हमें क्या करना है कि जो हासिल है ये इसी में जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 79। तो 79 21 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 89 का। ऐसे ही आप कर लेंगे 88 का स्क्वायर, तो 100 में से 88 कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, तो दो अंकों तक लिखना है, तो 44 लिख लेंगे और एक हासिल ले लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, 12 इसमें से कम करेंगे, तो जैसे ही इसमें से 12 घटाओगे तो आएगा कितना 6, यानी 8 में से 2 घटाओगे 6 और 8 में से 1 घटाओगे 7, तो 76 आएगा, एक हासिल इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 77। ये हो गया दोस्तों 88 का स्क्वायर। ऐसे ही 87 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 100 में देखेंगे कितना कम है 87, 13, तो 13 का स्क्वायर होता कितना है 169, तो 69 यहाँ पे लिख लेंगे, एक हासिल ले लेंगे, समझ रहे हैं। अब क्या करिए, इसमें से उतना ही घटा दीजिए 13, तो 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यानी 7 में से 3 घटाएंगे 4, 8 में से घटाएंगे 7, 74, और एक ये हासिल इसी में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 75। ये हो गया आंसर। ऐसे ही आप 86 का कर सकते हैं, तो 86 कितना कम है 100 में, 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 196, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, तो दो अंकों तक लिखना है 196, यहाँ पे लिख दीजिए, एक हासिल ले लीजिए, तो यहाँ से 14 और घटा दीजिए, जितना कम है उतना ही और घटाना है, तो 6 में से 4 घटेगा 2 और 8 में से 1 घटाएंगे 7, 72 आ जाएगा, एक ये जो हासिल है इसी में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 73। तो दोस्तों ये हो जाएगा 86 का स्क्वायर। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो आपको हमने तरीका बताया यानी हमारी ट्रिक अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा।
फिलहाल आप दोस्तों इतना ही, इससे आगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।